हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए ट्यूअर बैग लेके आई हूँ। ये ट्यूअर बैग हमारा मीडियम साइज़ का है। इसके लिए हमें सामान चाहिए 48 इंच बाई 24 इंच का वन पीस, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। और ये वन पीस चाहिए होगा, और 12 बाई 12 के दो पीस चाहिए होंगे जो इस कपड़े के होंगे, मेन कपड़े के, और 12 बाय 12 इंच के ही दो प्लेन पीस चाहिए होंगे। बेल्ट हमें चाहिए होगी 122 इंच की वन पीस में, 122 इंच की वन पीस में। ज़िप चाहिए हमें एक 24 इंच की, और दूसरी ज़िप हमें चाहिए 12 इंच की दो पीस में, और रनर हमें चाहिए होंगे 6। इसके लिए बस इतना ही सामान हमें पूरा चाहिए होगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये 48 इतना लंबा पीस, तो ये जो 48 इंच आ रहा है ये हमारा साइड वॉल में जाएगा। बैग की मेन जो चौड़ाई है वो हमारी 24 इंच की होगी। तो आइए देखते हैं कि इस 48 को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको इधर देखना होगा थोड़ा। ये देखिए, ये मैंने कपड़े पे ही निशान लगा के रखा हुआ है। ये हमारा पूरा कपड़ा 48 इंच का है, यहाँ तक ये पूरा, ये जो फोल्ड है पूरा। और यहाँ पर शुरुआत से आपको निशान लगाना है, ये हमारा 24 इंच है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये हमारा 24 इंच है और पूरा लंबा। और इसको यहाँ से ऊपर से पहले हम यहाँ तक 6 इंच में निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 24 इंच है पूरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 6 इंच में निशान लगेगी। ये 6 इंच का है, और फिर ये हमारी दूरी 12 इंच पे लगेगी, और फिर तीसरा पार्ट हमारा ये भी 12 इंच का होगा, फिर इसका जो अगला पार्ट है ये भी 12 इंच का होगा, फिर ये हमारा यहाँ पर आकर के ये लास्ट में 6 इंच का हो जाएगा। तो ये जो 12 इंच के बीच में तीन पार्ट होंगे, और एकदम साइड साइड में 6 इंच के दो होंगे। एक 6 शुरुआत में होगा इधर, और एक 6 इंच का हिस्सा होगा इधर। इतना निशान लगाने के बाद आपको इसका पूरा सेंटर निकालना है, जो बीच वाला 12 इंच का पार्ट है हमारा एकदम सेंटर में है, और उसको भी हम बीच में डिवाइड कर देंगे 6 इंच में। ये देखिए, छोटा निशान लगा है, ये 12 इंच का, ये पूरा निशान लगा है यहाँ पर, ये 6 इंच का, 6 इंच में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, और इतना ये निशान लगाना है साइड में से। अब ये जो ये लाइन जा रही है आप देख रहे हैं, इसमें इधर भी ये 6 इंच से छोड़ करके पूरी जो बीच के 12 इंच के पार्ट हैं, बस उनमें ही, जो 6 इंच के पार्ट हैं उनमें ये निशान नहीं लगेगा। तो बीच में पहले ये 6 इंच की दूरी दे करके इसमें ये निशान लगेगा, फिर ऊपर वाले जो 12 इंच का जो अगला पहला पार्ट है हमारा, उसमें भी 6 इंच की दूरी पे लगेगा, लेकिन यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये 9 इंच पर हमारा ये निशान आएगा। यहाँ पे 3 इंच हम ये हिस्सा छोड़ देंगे। ये देखिए, ये 9 इंच पर निशान है, और ये 3 इंच हमने छोड़ दिया, ये 6 इंच इधर छोड़ा, ये 3 इंच इधर छोड़ा, और ये 9 इंच हमने इधर ले लिया है। सेम सीधी लाइन 6 इंच की दूरी पर इधर उधर दोनों तरफ छोड़ते हुए इस साइड भी हमें वही करना है, जो पहला इधर 12 इंच का पार्ट पड़ेगा उसमें भी 9 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से अंदर थोड़ा सा निशान लगा देंगे कि यहाँ पे हमको रोकना है, और इधर भी 6 इंच की दूरी पर ये निशान लगा के ये 9 इंच इधर 3 इंच छोड़ना है। तो ये था इस तरह से पूरे बैग का, इसमें आप चक लगा लें, निशान लगा लें, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये था हमारा पूरा बैग का मेजरमेंट, कि कैसे निशान लगाना है। और एक बार आपको इस पेपर पे भी फिर से समझा देती हूँ। वो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 48 इंच का पूरा है, 6 इंच
इधर लगाना है। ये 24 इंच का एरिया है हमारा, 24 इंच से डाउन चलेंगे, 6 इंच इधर पार्टीशन करेंगे, फिर 12 इंच की दूरी पे पार्टीशन करेंगे, फिर 12 इंच की दूरी पे पार्टीशन करेंगे, फिर 12 इंच की, तो तीन पार्ट हमारे बीच के जो हैं वो 12 इंच के आएंगे, और साइड साइड में सबसे किनारे किनारे जिधर 24 शुरू हुआ है हमारा, इधर 6 और इधर 6 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। और फिर 6 इंच की दूरी इस साइड से, जो 48 इंच वाला एरिया है हमारा, ये लंबा, यहाँ पर 6 इंच की दूरी से अंदर डाउन करते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। इधर भी 6 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे। फिर जो बीच वाला हिस्सा है, ये देखिए इस तरह से ये पूरा ड्रॉ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये जो बीच के जो 12 इंच के हिस्से हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ कि बीच के जो 12 इंच के हिस्से हैं, तो जो बीच वाला है, किनारे किनारे के जो 12 इंच के हिस्से हैं उसको छोड़ दीजिए, जो बीच वाला है उसको भी हम बीच में डिवाइड करेंगे, 6 इंच इधर 6 इंच इधर। अब इसको डिवाइड कर दिया, अब ये जो लाइन हमने खींची थी 6 इंच पर, तो ये जो पहला वाला इधर का 12 इंच का हिस्सा है, इसमें ये 9 इंच पे आके अंदर की तरफ निशान लगा देंगे इस तरह से, और ये 3 इंच 6 इंच के साथ छोड़ देंगे इधर, ऐसे इधर वाले पे भी इसी तरह से 9 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा जो 9 इंच से इधर 9 इंच से भी पूरा जो एरिया बताया है, ये पूरा हमारा बेल्ट लगाने का हिस्सा है, सेंटर, इसलिए कि बेल्ट एकदम बराबर से लग सके। तो बेल्ट जो है हमारी 122 इंच की, सॉरी 122 इंच की एक पूरी बेल्ट होगी, क्योंकि ये बड़ा बैग है तो एक पूरी बेल्ट चाहिए होगी जो नीचे से भी बैग को सपोर्ट करेगी, तो इससे और मजबूती आती है। तो चलिए अब इसको हम बनाना सीखते हैं। ये पीस मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरा वन पीस में है, पूरा निशान लगा हुआ है। ये हमारी 12x12 की दो पॉकेट्स हैं जो साइड में लगेंगी, ये दो पॉकेट हैं, और इनमें ये 3 इंच नीचे डाउन करके ये मैंने ज़िप लगा दी है, जो 12 इंच की ज़िप बताई थी आपको, तो इसमें ज़िप लगा करके रनर डाल के और पीछे से वो प्लेन कपड़ा हमने लगा दिया है, जिससे कि ये पॉकेट तैयार हो गई है, और इसी तरह से ये दोनों पॉकेट हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये पॉकेट बनाना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो और ये हमारी 122 इंच की मैचिंग बेल्ट है, और ये जो कपड़ा आप प्रिंटेड देख रहे हैं, ये कुर्ती का है और ये भी एक बड़े साड़ी के पीस का है, तो दोनों को मैचिंग करके हम मिक्स मैच करके बना रहे हैं। तो ये जो कुर्ती में से कपड़े निकलते हैं, मतलब जिस भी एरिया में लंबाई ज़्यादा मिले, सारे पीस जोड़ जोड़ करके एक पीस बनाया गया है, और इसको मोटा और मजबूत करने के लिए अंदर कोई भी कपड़ा आप जो आपके पास रखा हो, वेस्ट हो, उसकी भी पट्टियाँ जोड़ लीजिए और अंदर उसको डालिए, ऊपर से इसको कवर करके, और पूरी बेल्ट इस तरह से कम 1.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है होनी चाहिए, और इस तरह से पूरी बेल्ट इसको तैयार कर लें। तो आइए इसको अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। इसमें मेन चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ कि इतनी लंबी बेल्ट को जोड़ा कैसे जाए, तो मेजरमेंट मैंने जो बताया है उसके हिसाब से अब इसमें बेल्ट कैसे जुड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। अब पॉकेट तो बाद में जुड़ेगी, पहले हम बेल्ट जोड़ेंगे। ये जो बेल्ट है हमारी, सबसे पहले हम इसके दोनों सिरों को जोड़ेंगे। सिरा हम इसका ले लेते हैं, और जो बेल्ट का उल्टी तरफ का हिस्सा है, जिधर सिलाई दी गई है कपड़े को मोड़ करके, इसको ऐसे बराबर ले आएंगे। ये हमारी बेल्ट का उल्टा हिस्सा है, ये इधर ये सिलाई दिखाई दे रही है बीच में, इधर सिलाई दिखाई दे रही है, और इन दोनों को इस तरह से आपस में बराबर रख के हम जोड़ देंगे।
ये हमने जोड़ दिया और थोड़ा सा इसको सफाई कर दी। अब ये बेल्ट हमारी पूरी जुड़ गई है, पूरी राउंड शेप में आ गई है। अब ये जो हमने जोड़ लगाया था इसको पकड़ेंगे और बेल्ट का जो डबल हिस्सा दूसरे साइड में आएगा वहां पर हमें इसमें निशान देना है। पूरा इस तरह से इसको सीधा करेंगे, डबल ले जाते हुए सिलाई जो हमने की थी वहां से पकड़ के पूरा डबल नीचे तक आएंगे। और इसमें ये देखिए इसका दूसरा सिरा आ गया है। अब इसमें हमें यहाँ पे चौक से निशान देना है, इधर से चौक का निशान दे देंगे और इधर से भी चौक का निशान दे देंगे। ये देखिए अब ये चौक का निशान लग गया है, अब हमको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम ये जो हमारा बैक का पीस था ब्लैक वाला इसको उठाएंगे ये, और ये जो हमने बीच वाले 12 इंच के हिस्से में जो बीच में निशान लगाया था, ये वाला अंदर अंदर जो लगाया था ये बीच का जो 12 इंच का हिस्सा है ये वो है। तो यहाँ पर ये जो निशान है अभी तो एक साइड ये है और ये एक साइड है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो चौक का निशान वाला हिस्सा था उसको इस तरह से रखेंगे, लंबा लंबा रखेंगे और यहाँ पे इस सेंटर से ये जो निशान लगाया है इससे मिलाते हुए इसको सिल देंगे, सिलते हुए ऊपर आ जाएंगे। चौक के निशान से पहले शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि ये बनाते समय मिट भी सकता है और जो जोड़ का निशान है हमारा वो तो अपने आप में एक पहचान रहेगी कि यहाँ पर जोड़ है। तो इसको अब हम ऊपर तक ले आएंगे जहाँ 9 इंच का निशान लगा है। ये हमारा 9 इंच का निशान यहाँ पर आ गया है और इसको अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 9 इंच का निशान है और ये 6 इंच वाला एरिया है हमारा, ये 6 इंच, फिर यहाँ पे ये 3 इंच छोड़ के ये जो 9 इंच का निशान आ गया था जो अंदर की तरफ लगा दिया था, यहाँ पर मजबूती से कई बार मशीन चलाएंगे। जैसे कि बेल्ट जोड़ी जाती है पलट देंगे, 6 इंच वाला इधर कर देंगे और जो बेल्ट अभी जोड़ते हुए हम आए थे उसका जो दूसरा साइड है ये भी एक साइड हमारा छूटा हुआ है इसको हम सिल देंगे। और जो निशान लगाया था उसके बराबर पूरा ले जाते हुए 9 इंच तक, जो दूसरी तरफ 9 इंच का निशान है वहां तक हम पूरा इसको सिल देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो निशान जा रहा है ये जो हमने 6 इंच यहाँ पे एरिया छोड़ा था 48 इंच वाली लंबाई की तरफ से, तो अभी इसको हम लौटते समय इसको भी सिल देंगे। अब ये दूसरी 9 इंच की तरफ हम पहुंच गए हैं। पूरा कवर कर देते हैं। एक इंच डाउन करते हुए डबल मशीन चला देंगे जिससे कि, और ध्यान रखना है कि हमारी जो बेल्ट का दूसरा हिस्सा है वो ना सिल जाए, उसको अलग हटाते रहिए वो नीचे आके सिल सकता है। बैग लमसम
एक जैसे बनते हैं, थोड़ा थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, इसलिए पैटर्न अलग हो जाते हैं, डिज़ाइन अलग हो जाती है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी बेल्ट वगैरह, उसी उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। और किस बैग को किस तरह की बेल्ट की ज़रूरत है ये डिपेंड करता है बैग के डिज़ाइन पर। तो ये बड़ा बैग था, सफ़र का बैग है, तो अगर हम इसको वन पीस में बना रहे हैं और नीचे जो बॉटम है उसमें सपोर्ट नहीं देंगे, तो जो साइड से हम बेल्ट दे रहे हैं अगर केवल वही लगा देंगे तो वजन उठाते समय, क्योंकि 32 इंच जो बैग है मीडियम, उसमें कम से कम आपके 30 जोड़ी कपड़े तक आराम से आ सकते हैं। तो क्योंकि उसकी साइड वॉल भी 12 इंच की हो जाती है, 12x12 की, 12x12 की, तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सफ़र का बैग तैयार हो जाता है। और हम उसमें सामान डंप करते चले जाते हैं कि ये भी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं, जगह काफ़ी हो जाती है इसमें। देखने में सुनने में 24 इंच का लगता है लेकिन काफ़ी सामान हो जाता है, तो जिसके लिए हैंडल का मजबूत होना जरूरी है। और साइड में अगर केवल हैंडल लगाया, बॉटम में हमने उसको सपोर्ट नहीं दिया बैग को, तो सारा वजन जो है बेल्ट के जो नीचे की जो सिलाई है उस पे आता है, और वहाँ से वो उधड़ने या फटने का डर रहता है। इसलिए बॉटम से इसको सपोर्ट देना ज़रूरी है, और ये बॉटम की बेल्ट मैं आज आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे धागा टूट गया था, मैं आपको बता देती हूँ आगे इसको कैसे जोड़ना है। अपने लिए बनाएं या किसी और के लिए बनाएं, तो इस तरह की जो बड़े बैग हैं उनमें बॉटम में सपोर्ट जरूर दीजिए, ना तो आपको शिकायत होगी और ना तो जो स्वाद देंगे वो आपसे शिकायत कर पाएगा। अब ये जो 48 इंच वाला एरिया था जिसमें भी हमारी ये पट्टी जोड़नी बाकी है, एक तरफ हम जोड़ते हुए आए थे, अब इसको हम वापस घूम के जा रहे हैं, इधर जोड़ेंगे। एक तरफ की पट्टी जुड़ गई है। अब सेम प्रोसीजर में हम इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे और ये देखिए, पहले आपको दिखा दूं, ये आ गया हमारा बीच का हिस्सा और ये हमारी एक बेल्ट जुड़ चुकी है। यहाँ पर स्क्वायर कट दे करके पूरा इसकी मजबूती से सिलाई की गई है। अब दूसरी तरफ की हमें ये बेल्ट जोड़नी है, तो इसको इस तरह से ध्यान रखें कि ये बेल्ट सीधी आए, इस तरह से ऊपर तक ले जाएं। और ये हमारा बीच में जोड़ वाला हिस्सा है जो हमने दोनों पट्टियों का सिरा जोड़ दिया था। अब इसको वापस जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की थी, ये देखिए, ये हमने यहाँ से शुरुआत की थी, ये हमारा बीच में निशान लगा हुआ है, इस तरफ निशान नहीं है, तो ये हमारे पूरे बैग का सेंटर है। तो इसी जैसे यहाँ से शुरुआत की थी, सेम उसी प्रोसीजर में ये जो सिलाई जो हमने दोनों इसके सिरे जोड़ दिए थे, इसको भी हम यहाँ पर बीच में रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। पूरी 9 इंच की दूरी तक पे इसको सीधा ले जाएंगे। ये हमारा जोड़ है, ये पहला जोड़ था, ये दूसरा जोड़ है। अब इसको हम, ये जो हमने 6 इंच की दूरी पे जो निशान लगाया था उस पे हम इसको जोड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये 9 इंच की दूरी पे जो निशान आया था, ये यहाँ पर ख़त्म करेंगे इसको। Thank you.
जहाँ पर आपको कम से कम चार चार बार सिलाई स्क्वायर में देनी होगी, जिससे ये पूरा मजबूत रहे। अब ये पूरी पट्टी सी देते हैं। ये 9 इंच पे आके हमने मशीन रोकी है, ये अंदर का निशान है, इसी पे हमें कम से कम चार बार मशीन चलानी है। ये देखिए साथ में ये दूसरी पट्टी हमारी जुड़ चुकी है। ये हमारी जो बेल्ट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें अगला काम है हमारा 24 इंच वाली जिप लगाना। ये देखिए ये पूरी हमारी ये हमारी पूरी बेल्ट तैयार हो चुकी है और मजबूत है, कंट्रास्ट में है। इसी तरह से आपको और भी अच्छे अच्छे बैग बनाने हैं। आप चाहे तो पूरा प्रिंटेड ले सकती हैं, आप चाहे तो पूरा प्लेन ले सकती हैं, आप चाहे तो इसमें बाजार वाली बेल्ट लगा सकती हैं, चाहे अपनी बेल्ट लगा सकती हैं। तो बीच में जो बड़े बैग हैं उनका बेल्ट लगाने का प्रोसीजर ये था। अब आइए इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। अब हमें चाहिए 24 इंच वाली जिप। पहले अब हम जिप लगाएंगे। ये मैंने पीछे बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल किया है लाइनिंग में। पूरी एक बेल्ट लग गई। अब इसको हम दूसरे 24 इंच वाले एरिया के साथ जोड़ देंगे।
बाद इसमें फिनिशिंग दे देंगे पीछे। इतने एक्स्ट्रा धागे इधर उधर दिखाई देते हैं हमको, काटते चलते और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि उनको सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है। अब जिनको सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है भाई, उनके लिए भी अगर कुछ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वो उनका ये कहना है कि हमें आप थोड़ा हैंडीक्राफ्ट का भी कुछ ऐसा आइडिया दीजिए कि जिससे हम अपना बिजनेस भी बना सकें। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को बता दूं कि मैं हैंडीक्राफ्ट का भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ आइडियाज़ आपको देती जाऊंगी कि वो भी एक अच्छा आप चाहें उसको अपनी आपकी हॉबी के अनुसार वो मिल जाए आपको, तो अपने हॉबी के लिए भी उसको सीख सकते हैं और अपने उसको बिजनेस भी बना सकते हैं। बिजनेस जैसे इस तरह से कि बाकायदा ऑर्डर लेकर के, और या तो बच्चों के लिए जो क्लासेस चलती हैं उनको सिखाने के लिए, तो कई तरीके से आप उसका अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी उसको बना सकते हैं और फिनिशिंग के साथ वो बताया जाएगा आपको। तो मैंने आपको बताना, आप लोगों को बताना ये ज़रूरी समझा कि बीच बीच में मैं हैंडीक्राफ्ट का भी काम बताऊँगी। और जिनको सिलाई में इंटरेस्ट है और उनसे मैं ये कहूँगी कि बीच बीच में वो फ्रेश करने के लिए ये सब काम थोड़े से थोड़े दिन के लिए बंद भी कर देने चाहिए। कुछ दूसरा काम करने से कुछ, जैसे आप किचन में कुछ रोज वही सब्जी रोटी दाल बनाते बनाते कुछ अच्छा सा कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हैं और लोगों को बहुत टेस्ट आता है, ठीक उसी तरह से ये हमारा सिलाई का काम। तो धागा डालना है, तो ये हमारा बॉबिन में धागा हो चुका है। बाद में मैंने बता दी आपको कि मैं हैंडीक्राफ्ट का भी काम बताऊंगी और उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके घर में या आपके घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें ही खरीदनी होंगी। तो अब हम धागा डालते हैं और फिर ज़िप फिनिश करते हैं। और आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरा प्रयास था कि मैं जो बताऊं लोगों को समझ में आए तो वो कुछ अपने लिए कर सकें, तो मेरे पास कई दिन से कुछ लोगों के फ़ोन आए और कम से कम 3-4 फ़ोन तो आ ही गए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपना ये बैग का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। सिर्फ ये यूट्यूब मेरा वीडियो
देख करके। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जितनी शायद मैं आमने सामने क्लास लेकर के करती तो शायद सक्सेस ना हो पाती, लेकिन जो मेरी इच्छा थी कि लोग सीखें, इस चीज़ को सीखें, इसको बढ़ावा मिले, तो वो कहीं कुछ पूरा होता नजर आ रहा है। और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। इसके लिए मैं एक बार फिर से बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद देती हूँ। और चलिए अब आगे प्रोसीजर करते हैं, इसको पूरा करते हैं। और जितने भी लोगों ने फोन किया वो ज्यादातर हाउसवाइफ्स थे जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, अपने शौक को और प्रोफेशन बनाना चाहती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसमें अब हम जिप डाल देते हैं। इसमें दो सिप सॉरी रनर डाल देते हैं। इसमें दो रनर पड़ेंगे, एक लेफ्ट दोनों साइड से, तो ऐसे ये रनर पड़ जाएगा। कपड़ा है ये हो गया है, भाग रहा है। अब ये दूसरे साइड में भी डाल देते हैं। जब रनर डालें तो ध्यान रखें कि आसपास धागा कपड़ा ना हो, नहीं तो अगर वो रनर के बीच में फंस गया तो फिर आपकी जिप भी खराब हो सकती है। ये हमारा रनर पड़ गया है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे पूरा ध्यान से, कि ये जो जिप है हमारी खुलने ना पाए, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जिप को पकड़ के, एक तरफ तो जिप हो गई और ठीक उसके उल्टे तरफ ये तो जिप है हमारी, और इसको जो हमने यहाँ से पूरा बराबर किया इस तरह से ये, तो ये हमारा सेंटर निकल आया। तो ये सेंटर निकाल गया, ये जिप पकड़ा हमने, ये दूसरा हमने किनारा पकड़ा और ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब आई हमारी पॉकेट की बारी। अब हम इसमें पॉकेट उड़ना शुरू करेंगे, तो जिप से शुरुआत करेंगे। अब ये जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है जो हमने तैयार कर लिया है, पहले हमने क्विल्ट किया, क्विल्ट करने के बाद 2 इंच डाउन करके कट किया, कट करने के बाद जिप लगाई, फिर रनर डाला। जब रनर पड़ गया तो फिर हमने इसमें पीछे ये प्लेन कपड़ा लगा के और इसको सिल दिया। तो ये हमारी पूरी पॉकेट इस तरह से तैयार हो गई। किसी भी बैग के लिए साइड पॉकेट इसी तरह तैयार होती है। ये देखिए, ये मेरा हाथ चला गया और ये बैक साइड है, तो इस तरह से ये पॉकेट तैयार हो गई। अब इसका भी हम जिधर जिप लगी है उस तरफ से सेंटर निकालेंगे और ये कट किया। इसी तरह से ये जो बॉटम का हिस्सा है, ये जिप है हमारी, ये बॉटम है, बॉटम में भी एक कट, सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर से सेंटर ये जो जिप वाला हिस्सा है, इसमें भी ये जो पॉकेट बनाई है इसमें भी जिप वाले हिस्से की तरफ से इसको जोड़ेंगे। ध्यान रखिए जिप कभी नीचे नहीं जाए, नहीं तो उल्टा बैग हमारा जुड़ जाएगा। ये सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, सेंटर को जिप से मिला देंगे और ये हमारा सेंटर आ जाएगा और इसको अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। ऊपर के दोनों 6 इंच के हिस्से थे ये हमारे जुड़ गए हैं, अब ये 12 इंच के हिस्से पर आ गए हैं। तो ये 6+6 मिलके जो ऊपर का जिप वाला हिस्सा आया, 6 इंच 6 इंच 12 हो गया और इधर भी 12 हो जाएगा। तो ये 12x12 की पॉकेट में आराम से जुड़ जाएगा।
अंदर की बेड का ख्याल रखिएगा, उसको अंदर हटाते रहिएगा ताकि उसे लेना। अब ये नीचे का हिस्सा आ गया, सेंटर से सेंटर जोड़ देंगे। ये देखिए यहां पर हमारा सेंटर आ गया है। ये हमारा सेंटर जा रहा है। और ये हमारा दूसरे तरफ का 12 इंच का हिस्सा हो गया और ये एकदम परफेक्ट है। ये हमारा एक तरफ का पॉकेट जुड़ गया है। अब हम दूसरी तरफ का जोड़ेंगे, हैंडल पूरा अंदर कर देंगे, फिर जिप लाएंगे इधर, इसी तरह इसका भी सेंटर निकालेंगे। लंबे पीस का सेंटर हम पहले निकाल चुके थे। जिप को जिप की तरफ रखेंगे, जिप के सेंटर में 12 इंच वाले पीस का सेंटर मिलाएंगे और इसको सिलना शुरू कर देंगे। जब मैं बैक पर ध्यान कंसंट्रेट करती हूँ तो मेरी मशीन को इतना दुलार आता है कि वो नखरे दिखाने लगती है। मशीन के दुलार प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर से सेंटर के सेंटर, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और इसको वजन हो गया है, इसको यहाँ पे एंड टाइम पे नखरे दिखाती है। हमने जहाँ सेंटर निकाला था वहां पर हम पहुंच गए हैं। ये हमारी दूसरी पॉकेट भी हो गई। और
ये बैग क्योंकि बहुत साइज में बड़ा है इसलिए ये आज खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन सेंटर से सेंटर मिल गया है तो ये एकदम परफेक्ट है। अब इसकी जो अभी तो हमने एक सिलाई लगाई 12x12 और साइड पॉकेट में, अब चाहें तो इसमें दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें अंदर डबल मशीन चला दें या जो मैं बताती हूँ कि यहाँ पर इसको मोर के जो जोड़ हैं इनको जोड़ के महीन सिलाई कर दी जाए तो मजबूत हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे उल्टी तरफ से जोड़ा था, ये जो हमने अंदर की तरफ से पॉकेट जोड़ा था इसको आप बाहर की तरफ से जोड़िए सीधे तरफ से और उस पर फिर चारों तरफ पाइपिंग डाल दीजिए। ये तीन तरह के ऑप्शन होते हैं बैग की मजबूती के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो टूअर बैग मीडियम साइज़। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर आपसे कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार। चार मिनट एक घंटा।